हो गया। हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 15 फरवरी 2022 मध्य प्रदेश पुलिस की एग्ज़ाम जो हो चुकी हैं और मॉर्निंग वाली शिफ्ट वाले बच्चे बाहर आ रहे हैं, उनका लाइव व्यू लेते हैं, उनका आज का पेपर किस प्रकार से गया, मैथ्स रीजनिंग जीके और जीएस से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और करंट अफेयर्स से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और देखते हैं आज का पेपर का लेवल कैसा था, टफ था या सरल था या मॉडरेट लेवल से था, देख लेते हैं। भैया थोड़ा सा उधर घुमा दो उन बच्चों की साइड में, हाँ बच्चे आ रहे हैं बाहर तो देख लेते हैं कि हाँ यार कैसा क्या रहता है। बच्चे उस सेंटर के बाहर से निकल के आ रहे हैं और उनका लाइव व्यू ले लेते हैं। और मैंने फिजिकल की नई बैच स्टार्ट कर दी है, आप जितने बच्चे हो ज्वाइन कर सकते हो रनिंग फिटनेस क्लब नीमच, और मात्र गर्ल्स के लिए 3000 फीस है और बॉयज़ के लिए मात्र 4000 फीस है, ठीक है। और जितना जल्दी आप फिजिकल के, क्योंकि जल्दी फिजिकल हो जाएगा। भैया पेपर था आपका, भैया कितना स्कोर किया आपने? 64। अच्छा नंबर, एक मिनट उधर खड़े हो जाओ भैया आप। क्या नाम? शुभ नाम आपका? अमित। कहाँ से आए हो आप? नीमच से। नीमच, कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस में? रीजनिंग इजी थी, मैथ्स कैलकुलेटिव थी, जीके थोड़ी टफ थी। अच्छा, जीके थोड़ा टफ। हाँ, और जीके में कोई क्वेश्चन याद है आपको? जीके में दो क्वेश्चन तो नृत्य पे पूछे गए थे। नृत्य पे? हाँ। अच्छा, डांस पे? डांस पे दो क्वेश्चन थे। और साइंस कैसी पूछी गई? साइंस इजी थी, चार या पाँच क्वेश्चन। चार या पाँच क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है ना। बाकी और क्या पूछा गया? और मैथ्स से क्वेश्चन भी आए थे, मैथ्स से क्वेश्चन कैलकुलेटिव काफ़ी थे पर इजी थे। इजी थे। और नया चैप्टर को, नया चैप्टर कोई दिखने को मिला आपको? नया क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं मिला। प्रैक्टिस से कितने क्वेश्चन बने? इंग्लिश में बोलोगे आप? प्रोबेबिलिटी से? प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन आए। और एरिया? एरिया के 2। वॉल्यूम? वॉल्यूम का एक भी नहीं था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन? 3। नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम के काफ़ी क्वेश्चन थे। अच्छा, सिंपलीफाई सीरीज थी 3, दो रॉन्ग नंबर सीरीज थी और बाकी सिंप्लीफिकेशन थे पास। और एवरेज परसेंटेज? एवरेज के 2 क्वेश्चन थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन दिए थे मेरे को। और क्वेश्चन याद आ रहा आपको? और सीआईएसआई से कोई क्वेश्चन बना? सीआईएसआई के एक एक क्वेश्चन आया। अच्छा, बोर्ड एंड स्ट्रीम से कोई क्वेश्चन बना? बोर्ड एंड स्ट्रीम से एक भी नहीं आया। ट्रेन का एक भी नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस के 2 क्वेश्चन थे। एलिगेशन से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, वो उसी के मिक्स से आया था। अब रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से? कोडिंग डिकोडिंग तो आए थे 4 से 5 क्वेश्चन। सिलोजिज्म से? सिलोजिज्म में एक एक। और इससे बना आपने वाटर इमेज, मिरर इमेज? हाँ, सारी मिरर इमेज आई थी, आई थी 4। और इससे अपने वेन डायग्राम वगैरह? वेन डायग्राम नहीं आया, नहीं पूछा। और अल्फाबेट सीरीज से पूछा गया? हाँ, अल्फाबेटिकल सीरीज आई थी। एनालॉजी क्लासिफिकेशन? एनालॉजी आए थे 2। ठीक, थैंक यू। थैंक यू भैया, अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। और भैया कितना स्कोर किया आपने, देख लेते हैं। और भैया आपने कितना स्कोर किया? 60। कौन सी कैटेगरी से हो? AWS से हो? बिल्कुल भैया, आप भी AWS वाले भैया मिले मेरे को, थोड़ा सा देख लेते हैं और कितना क्या रहता है। कितना स्कोर किया भैया? स्कोर कितना किया? मैं थोड़ी नहीं। अच्छा, मैं एग्ज़ाम नहीं था। मैम आपने कितना स्कोर किया? अच्छा, 7 याद देते। अच्छा, बिल्कुल देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेपर वगैरह भी अच्छा था और अभी तक 64 हाईएस्ट मिला है। उन्होंने भैया ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। भैया कितना स्कोर किया आपने? 65 है। मैम आपने कितना स्कोर किया? 50। कौन सी कैटेगरी? OBC। थैंक यू। भैया निकल के आ रहे हैं फटाफट, तो उनसे लाइव रिव्यू ले लेते हैं कि यार किस प्रकार से जो अपनी इच्छा से देगा लाइव रिव्यू उनके लेंगे। भैया कितना स्कोर किया आपने? अच्छा, कॉलेज बॉय हो। और देख लेते हैं मैम आ रही है। बहन कितना स्कोर किया आपने? बहन कितना स्कोर किया? बहन जी तो बता ही नहीं रहे। भैया एग्ज़ाम था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 70। एक मिनट। भैया इनके 70 नंबर आए। कौन सी कैटेगरी से आप? जनरल। कहाँ से आए हो? नीमच। आप बता सकते हो मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स थोड़ा टफ था, रीजनिंग सरल था और जीके भी सरल था। मैथ्स में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? मैथ्स में श्रेणी संख्या से। अच्छा, श्रेणी संख्या आते हैं। और कोई क्वेश्चन? जीके में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए आपको? जीके में सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज। और कोई क्वेश्चन याद आ रहा आपको जीके में? नहीं, सब। करंट अफेयर्स वगैरह कैसा पूछा गया? करंट अफेयर्स में बहुत कम था, साइंस ज़्यादा पूछी। साइंस में कोई क्वेश्चन याद है आपको? साइंस में ये रासायनिक विज्ञान ज़्यादा पूछी। अच्छा, किस किस का पूछा गया?
केमिकल का पूछा गया। अच्छा केमिकल का पूछा गया। आपके कितने आए सर? 50। कौन सी कैटेगरी से आप? एससी। आप बता सकते हो किस प्रकार के जीके में क्वेश्चन पूछे गए? जीके तो करंट भी था और वर्ल्ड भी था और सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन थे मैथ्स में। अच्छा सरलीकरण। हाँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, मतलब डेसिमल में भी थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और रिलेशनशिप के भी थे बहुत सारे क्वेश्चन, और गेम्स के बहुत कम क्वेश्चन। अच्छा गेम्स के क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। आप भैया वहाँ पर खड़े हो जाओ, उसी जगह पर। हाँ, आपका पेपर था क्यों भैया? पेपर था आपका, इधर आ जाओ, इधर ही रख लो आप, ये लोकेशन में। क्या नाम है आपका? शुभ नाम सर, मेरा नाम मेहरबान मंसूरी है। कहाँ से आए आप भैया? मैं मंसूर ज़िले से हूँ। मंसूर ज़िले से। आपके कितने नंबर आए? मेरे 60 नंबर है। 60 नंबर। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी से होना। आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? सर क्वेश्चन तो मिक्सर एलिगेशन से लगभग मैं मान के चलो कि दो या तीन क्वेश्चन थे। ठीक है, और मतलब उसी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का भी था। अच्छा प्रॉफिट। हाँ, और अगर अपन देखें तो अपने मंसूर का था एक क्वेश्चन। अच्छा मंसूर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया? जीके में था वो, मतलब जैसे कि ये पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ है। अच्छा कहाँ है ये की? हाँ, धड़ाके मारा होगा वो तो बता था तो लगा दिया पता था लगा दिया था। और एक और वो पूछा था अपने जटाशंकर की गुफा कहाँ पर स्थित है? जटाशंकर की गुफा कहाँ स्थित है? अच्छा। हाँ, और ऑप्शन में भी मतलब ये एक और क्या बोलते उसको, वो क्वेश्चन ऑप्शन थे, एक तो धूपगढ़ की चोटी थी। हाँ, धूपगढ़ की चोटी। और और एक दो उस क्वेश्चन थे, ऑप्शन थे, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा याद नहीं आ रहा आपको। और साइंस किसी पूछे गए? साइंस तो पता नहीं कहाँ से पूछ रहा, कुछ भी पता। अच्छा, नहीं चल रहा है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू भैया, है ना आप आराम से। भैया आपने कितना स्कोर किया? 56। आपने कितना किया? 56। कौन सी कैटेगरी से आप? आपने कितना स्कोर किया मैम? आपने कितना स्कोर किया? 59। अच्छे नंबर है। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। इधर आओ। हाँ, रनिंग फिटनेस कर नहीं मच। कितने नंबर आए आपके? 59। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी। कहाँ से आए हो आप? नीमच। नीमच से। आप बता सकते हो मैथ्स में, रीजनिंग, वो जीके जीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? जीके तो सर जिसने पीएससी लेवल की तैयारी कर रखी है ना, सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकता है। और करंट अफेयर्स वगैरह किससे पूछा गया? करंट अफेयर से भी आए थे क्वेश्चन, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर का पूछा गया था स्कोर, और उसके अलावा अभी जो वित्त सचिव हैं उप सचिव के बारे में भी पूछा गया था। और सर साइंस कैसे पूछी गई? साइंस भी इजी ही थी। हाँ, कोई क्वेश्चन? आपका बैकग्राउंड क्या है? बीएससी एमएससी या बीए? बीसीए किया हुआ मैंने। बीसीए कर रहे हो? अच्छा, थोड़ा सा इधर आ जाओ, एक ट्रक व्हीकल आ रहा है भाई। अभी ट्रक मार्केट में थोड़ा सा मोबाइल उतालो यार। और एक आ जाओ। और रीजनिंग कैसी पूछी है? रीजनिंग में आपको कोडिंग बहुत इजी थी। अच्छा इजी थी। कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? कोडिंग डिकोडिंग भी थे, बहुत इजी थे वो भी। अच्छा। क्योंकि जो स्कोर बनाया ना मेरा। हाँ? वो रीजनिंग से और मैथ्स से ही। अच्छा, मैथ्स से और रीजनिंग से आप बना। और इस डाइस वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? डाइस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। रैंकिंग सीडिंगर में पजल से रैंकिंग सीडिंग पजल से पूछे गए थे क्वेश्चचन, वो एबीसीडी और अल्फाबेट सीरीज से कोडिंग की। अल्फाबेट सीरीज आई थी, एनालॉजीज क्लासिफिकेशन, ताश के पत्ते जो प्रायिकता वाले प्रोबेबिलिटी आई थी। अच्छा बता रहा हूं। ओके, और उसके बाद क्वेश्चन एकदम माइंड में अपनी बन पा रहा होगा? हां अभी जस्ट, क्योंकि फील आप फिजिकल तैयारी कर सकते हो, 59 ओबीसी है और रनिंग फिटनेस क्लब नीमच ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, रोजाना लाइव व्यू लेता मैं। बिल्कुल 59 से भी ऊपर तो जा रही होगी ना? हाँ जा रही है। हाँ बिल्कुल, आप मैं जब लाइव आऊँगा यूट्यूब पे आप देख सकते हो ना कमेंट। क्या नाम? रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। रनिंग फिटनेस क्लब नीमच। और ज्वाइन कर सकते हो, आज शाम को 4 बजे आप नंबर 2 आ सकते हो। अच्छा, कोई फीस? फीस मैं आपको अभी लाइव चल रहा है। अच्छा ठीक है ना, आप पूछ लेना। ठीक है भैया, पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? 70 नंबर। वेरी गुड। कहाँ से आए भैया? आगर से। आगरा? आगर मालवा से? हाँ, मंसूर के पास में। अच्छा मंसूर के पास में आगर से हो? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपको? सुनना, कुलदीप बैरागी। कुलदीप बैरागी। आप बता सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन उसके मिश्रण के ज्यादा क्वेश्चन आए, और उसके बाद ओसा आई। हाँ, और रीजनिंग ज्यादा आ रही उसमें। अच्छा, रीजनिंग भी ज्यादा आ रही। हाँ। और पेपर तो इसमें जीके थोड़ा कठिन था उसमें। अच्छा, जीके थोड़ा कठिन। हाँ। था। और क्या किस प्रकार से क्वेश्चन? 80 का टारगेट था लेकिन कम आया। अच्छा, 80 का टारगेट था। बिल्कुल, आज के भोकाल सिंह आप ही हो। और एक और जीके में कोई क्वेश्चन याद आ रहा है आपको? जीके में लोसार त्योहार। लोसार लोसार त्योहार लोसार त्योहार हाँ। और
और इसके बारे में एक और भैया ये भी इस बार उन्होंने लेवल बढ़ा दिया भैया है ना क्वेश्चन वो आधे तो आंसर कर लेते उसने आंसर ही नहीं आ रहे ना अच्छा अच्छा और वो सरलीकरण के आए थे साधारण ब्याज के आए थे वेरी गुड अगर माला भाई आप रुकना अब मैं तो आपसे थोड़ा काम है और किसी के आपके कितने आए नहीं आए भैया आपके कितने देख लेते हैं एक दो भैया और कितना भैया आपका कितना स्कोर किया आपने कितना किया कितना किया नहीं कितना तो भी स्कोर कितना किया 76 हाईस्ट है यार इधर आओ नहीं कितना किया पेपर ही नहीं दिया अच्छा पेपर ही नहीं शादी आदि है क्या आपके वेरी गुड देखा जाए तो आज का पेपर भी अच्छा था और 70 मेरे को हाईस्ट मिला भाई पेपर था आपका देख लेते हैं एक दो एक मिनट इधर इधर खड़े हो साइड और एक दो भैया वो आ रहे हैं फटाफट फटाफट पूछते लेते हैं उनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बना एक थोड़ा बेटा पकड़ना आपने कितना स्कोर किया भैया कितना स्कोर किया 47 कौन सी कैटेगरी से ओबीसी ठीक है थैंक यू आपने कितना किया भैया आपने कितना किया 74 आज के भैया सबसे हाईएस्ट नंबर इन्हीं के हैं 74 कहाँ से आए आप मैं झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से आया झाबुआ जिले से आया बाकी तो मैथ्स में तो वही है प्रायिकता से क्वेश्चन आ रहा है अब आपसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नंबर सिस्टम में कितने क्वेश्चन पूछे गए नंबर सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन और इससे कितने बन गए सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एसएफ से सिंप्लीफिकेशन से चार क्वेश्चन थे और किससे कोई क्वेश्चन प्रायिकता के थे वेरी गुड और औसत से था एक क्वेश्चन बिल्कुल और आज जैसा कि टाइम एंड वर्क से दो ही आए थे अच्छा और टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था नावधारा का कोई क्वेश्चन नहीं था पैटर्न तो वही है मैथ्स में वही है रीजनिंग में वही आ रहा है बट जीके का लेवल अगर जीके आप कहीं से भी पढ़ लोगे तो जीके आपसे अच्छा हो ही नहीं पाएगा अच्छा जीके नहीं हो पाएगा जीके तो आप मतलब कितने रीजनिंग में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए रीजनिंग में आपको याद आता जाए बता जाओ आप रीजनिंग में जैसे लूप लुप्त के पूछे थे और लुप्त संख्या वाला और कोडिंग डिकोडिंग वाला था और जैसे कि अपना रीजनिंग में काफ़ी मिरर इमेज वाले थे और बस ये सिलोजिस्म के थे और वेन डायग्राम वगैरह वेन डायग्राम के भी थे अल्फाबेट सीरीज कोई पूछी गई एनालॉजी के थे क्लासिफिकेशंस के एक क्वेश्चन था और इससे वाटर इमेज मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन बनाए वाटर इमेज नहीं था मिरर इमेज के दो क्वेश्चन थे और इससे रैंकिंग सीटिंग अरेंजमेंट और सीटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था कि एक ही लेफ्ट से ये मतलब नंबरिंग थी कि हाँ अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट उसमें यही था मतलब सिंपल था लेफ्ट से और राइट से आपको उसकी वैल्यू दी हुई थी और आपको टोटल वैल्यू बतानी थी कि सिंपल तो कहीं ना कहीं तो जीके में क्वेश्चन याद आ रहा आपको जीके में साइंस कैसे पूछे जीके में तो एक मंदसौर का ही पूछा था पशुपतिनाथ मंदिर का पूछा था और एक अपना एक तो क्वेश्चन साइंस कैसे पूछी गई साइंस में भी ठीक थे क्वेश्चन याद आ रहा साइंस में आपको साइंस का तो अभी कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे कार्बन सोडियम उसका पूछा था कि वो अपन जब खाना वगैरह कुछ बनाते हैं तो उसके अंदर सोडियम कार्बन बाइकार्बोनेट कार्बोनेट वाला पूछा था अच्छा और मैं मतलब जीके और साइंस के क्वेश्चन ऐसे थे कि कोई भी बहुत कम लोग थे जो टच कर पाए क्योंकि जिन्होंने डीप में भी पढ़ा है ना वो भी मतलब उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए मैथ्स थोड़ा ठीक था मतलब एवरेज था ऐसा नहीं कह सकते कि मैथ्स टफ था क्योंकि मैथ्स में इतना कैलकुलेशन उतना जितना बता रहे बच्चे की कैलकुलेशन ज़्यादा आ रही है कैलकुलेशन आ रही है बट क्वेश्चन ऐसे ही है कि आप 30 सेकंड में लगा सकते हो क्योंकि आपका जो आप कैलकुलेशन है अगर आप माइंडली ट्रिकी आप जल्दी बता सकते हो किस प्रकार से बच्चे तैयारी करें बस कम शब्दों में मतलब ये बताऊंगा मैं सीधा सा आप मतलब अगर सरलीकरण पढ़ते हो तो आप सबसे इजी देखो कि
ट्रिकी लगाओ आप, कि आप कैलकुलेशन ट्रिक से कैसे कर सकते हो, मतलब आपको वर्गमूल गणमूल और पहाड़े याद होने जरूरी है ना, क्योंकि वही काम आएगा, वो ट्रिक ट्रिक क्या होती है, बस ये वही है आपके सारे फॉर्मूले, आपको मतलब ये आपका याद होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है, घनमूल क्या होता है, और आपका अगर कैलकुलेशन आप काटते हो तो यूनिट डिजिट से आप कितनी जल्दी काट पाते हो, बिल्कुल सही, वो कैलकुलेशन कितनी जल्दी आप यूनिट डिजिट से कर पाते हो, वो स्पीड आपकी मेंटेन अगर रही तो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू। और देखा जाए तो आज का पेपर भी अच्छा था भैया, सबसे हाईएस्ट 74 है, इन्हीं से लाइव भी लिया गया, मतलब मुझे जो है एनालिसिस से बहुत मुझे फायदा मिला। रनिंग फिटनेस कब देखा आपने? नहीं देखा गया, यादव डिफेंस अकेडमी का देखा। अच्छा अच्छा, उज्जैन का, उनका भी काफी अच्छा लगता है, और एक है इंदौर में है। चलो देखा, हाँ तो देखा जाए तो आज, हाँ रनिंग फिटनेस क्लब है अभी, रनिंग फिटनेस क्लब नहीं मच है ना, तो अब आप फिजिकल तैयारी करो और रनिंग फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, है ना, ठीक है भैया, है ना, थैंक यू भैया। आप आपने कितना स्कोर किया? अब हो गया ना आपका, तो एक मिनट तो देख लेते हैं एक तो, हाँ कितना नंबर आया आपका भैया, आपके कितना है? 40 भैया, कितना नंबर, कितना भैया नंबर कितना है? नहीं एग्ज़ाम वाले नहीं, और पूछ लेते हैं एक, अपना कितना स्कोर किया अपना मलक? अच्छा नंबर की कोई कमी नहीं है, देख लेते हैं। और आज का पेपर भी अच्छा था, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 74 वाला हाईएस्ट मिला मेरे को लड़का। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।